नमस्कार, मैं आज आया हूँ कुर्ला के हलावपुल रोड पे। यहाँ पे ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से आज ईद की शुभ अवसर पर आज यहाँ पे राशन किट वाटप किया जा रहा है। जो गरीब है अपने कुर्ला के बस्ती में जो रहते हैं, उनके लिए आज ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से राशन किट दिया जा रहा है कि उस तरह दिन है और उनके घर में भी आज खुशी मनाया जाए, उनके ईद सेलिब्रेट किया जाए। इसके लिए आज उनकी तरफ से ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से राशन किट का वाटप किया जा रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरफ से उन्होंने ये प्रोग्राम रख दिया है। ऑल कुर्ला कमिटी सर्व सदस्य माझ्या तर्फे बीबीनगर पोलीस स्टेशन तर्फे खूब खूब बधाई है, कारण का त्यांनी जे लॉकडाउन मध्ये गेले 7-8 महीने काम केले ते इतकं प्रशंसनीय है कि त्याच्यासाठी माझ्याकडे शब्द कमी पडतील। गेले 8 महीने त्यांनी लोकांना सगळ्या तऱ्हेने मदत केलेली आहे, डॉक्टरपासून धान्यापासून ऑक्सिजनपासून जी गरज माणसांना असते ते त्यांनी केलेलं आहे। एवढी 7-8 महिने मदत करणं ही काही साधी गोष्ट नाही, त्यासाठी खूप लोकांची पण मेहनत लागते, पैसा पण लागतो। त्यांनी तो कसा उभा केला आहे हे खरोखर वाखाणण्याजोगं आहे आणि ते सगळं निस्वार्थीपणाने केले। कुठेही त्यांनी मोठी जाहिरात केली नाही की आम्ही हे करतो आम्ही ते करतो, कधीही कुठलं बोलणं नाही खरोखर। आणि मला माझा अभिमान ह्या पोलीस स्टेशनच्या लोकांचा अभिमान आहे की सगळ्याच पोलीस स्टेशनच्या माझ्या ज्या लोकांनी सगळ्यांनी निस्वार्थीपणाने काम केले, यांनी तर खूपच केले पण इतरांनी पण केले, पण तर सगळ्यांचंच माझ्यातर्फे मी आभार मानतो। आज ईद आहे, या ईदविषयी आता ईद झाले, सर्वांना पोलीस स्टेशनतर्फे ईद मुबारक आहे। तुम्हाला माहिती आहे लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच गोष्टी आपल्याला टाळायच्या आहेत आणि त्यांनी ते टाळून करतातच आहेत, पण लोकांचा एक उत्साह असतो तर थोडाफार उत्साह ठेवलंच पाहिजे ईदला। पण त्यांनी पण जे केले ते पूर्ण सोशल डिस्टन्सिंग पाळून लोकांना हे करून ते केलेले आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे आणि त्यांनी असंच काम करावं ही माझी अपेक्षा करतो। ठीक आहे, धन्यवाद, थँक्यू। आज जो ऑल कुर्ला कमेटी ने जो प्रोग्राम रखा है उस बारे में आप जिस तरीके से आज ऑल कुर्ला कमेटी ने प्रोग्राम रखा है लॉकडाउन में, मेरे जानकारी में जिस तरीके से कंटिन्यू 5 महीना इन बच्चों ने काम किया है, सबसे पहला तो उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 5 महीने में जिस तरीके से लॉकडाउन में उन्होंने घर घर तक राशन पहुँचाने का काम किया और जिस उसकी बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से आज इन्होंने यहाँ पे सेंटर खोलने का काम किया, मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और फ्यूचर में भी चाहता हूँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी होगा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करें। जितने भी भारतवर्ष के जितने भी मुसलमान हैं और दीगर हजरात हैं और मुंबई में सब लोगों को आज ईद मिलादुन्नबी की खास पुरस्कार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से और हमारी ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। और जैसा कि आपका पूछना था कि ये जो है प्रोग्राम क्या है, तो आज हमने जो है ऑल कुर्ला कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि आज के इस मुबारक दिन हम कुछ ज़रूरतमंद लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो आज हम लोग ने प्रोग्राम रखा था। और इसमें कुर्ला से कई ऐसे NGOs दो अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं, हमने उनको इनवाइट किया था, उनके जरिए और हमारे कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ एडवोकेट्स थे और हमारे बीबीनगर के सीनियर साहब पवार साहब वो भी इसमें थे। ऐसे कुछ लोग मिल के यहाँ पे अपने हाथों से आज जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसा कि अभी 22 मार्च जब से ये जनता कर्फ्यू लगा था, 22 मार्च हमने शुरुआत जो है हमारी कमेटी ने उस वक्त से शुरुआत कर दी थी, जिसमें राशन का और मेडिकल हेल्प हुई या उसके अलावा आज तक जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो पूरे बम्बई में किसी को भी कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हमारी कमेटी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराती है, ये काम आज भी हमारा चल रहा है, जिसके लिए हम लोग हमारे सीनियर और यहाँ के लोग काफ़ी इसके लिए हमारी कमेटी की तारीफ कर चुके हैं जैसा कि अभी आपने सुना। तो इंशाल्लाह इन लोग ने जो हमको आज एंकरेज किया है तो आने वाले वक्त में भी ऐसे ही ऑल कुर्ला कमेटी की टीम काम करती रहेगी। सबसे पहले मैं सभी देश के वासियों को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दुआ है कि अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क से इस दुनिया से जो भी लोग परेशान है इस बीमारी से सबको शिफा व कामिला अता फरमाए और जो लोग की परेशानियाँ उनकी परेशानियों को दूर करें। और आज हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं, ऑल कुर्ला कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो जिस कमेटी को मतलब एक कोई सोचा नहीं था कि ऐसी कमेटी ऐसी काम कर सकती है। आज मेडिकल टीम के तौर पे इस तरीके कमेटी काम कर रही है गरीबों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो एक ऐसा दिन मतलब आज तो डबल ईद थी हमारी,
एक तो हर मोमिन के लिए जुम्मा का दिन एक ईद की तरह होता है, और ऊपर से आज ईद मिलादुन्नबी है, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे चलते थे कि गरीबों को खाना खिलाओ, ठीक है, मिस्कीनों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो। तो शेख उसी तरीके से उसकी तर्ज पे एक ऑल कुरला कमेटी, जो कुरला के अंदर मुस्तैद है, बहुत ज़ोर शोर में काम कर रही है। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि गरीब फैमिलीज़ को और कुछ ऐसे जो ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो फैमिलीज़ थी, जो मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास में आ गई है, जो हाई क्लास थी वो मिडिल क्लास में आ गई है, तो लोगों की कोई मदद करने लाए, क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है देश के अंदर हालात बद से बदतर है, कोई किसी का पुरसा हाल नहीं है। इसलिए ऑल कुरला कमेटी ने डिसाइड किया कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मैं तो समझता हूँ ना कि इससे अच्छा काम नहीं है किसी का पेट भर रहे हैं, क्योंकि दुआ भी उसी की लगती है जिसका पेट भरा होता है। तो इसलिए ऑल कुरला कमेटी ने डिसाइड किया कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वही काम करने के लिए हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए, जिसके अंदर बहुत से NGOs के लोग, बॉम्बे से बहुत सारे NGOs के लोग, सोशल फील्ड के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हुए, और हमारे इस टीम की, हमारी इस कमेटी के मेंबर्स की हौसला अफजाई के लिए साथ दिया, जिसने ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत खुश आमदीद की कुरला कमेटी की तरफ से। और हम लोग का ये कहना था कि लोग अलग अलग तरीके से ईद मनाते हैं, हम लोग ने कुछ सोचा है कि NGO की तरफ से कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और लोगों को ऐसा जहन दिया जाए कि वो लोग भी ईदों में लोगों की हेल्प करें, पुअर पीपल के काम आए, और लोगों की जितने से ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी मदद करें। सभी को ईद की मुबारकबाद, और कुरला ऑल कमेटी के सभी मेंबर्स और जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे लॉकडाउन में मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली कि कुरला ऑल कमेटी ने जितना कुरला एरिया में काम किया है ज़रूरतमंदों के लिए, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने इतना करते हुए किसी NGO को नहीं देखा है। और राशन के अलावा जो उनकी स्कीम थी ऑक्सीजन की, उसका तो मैंने पर्सनली उसको भी मैंने ऑब्जर्व किया था। मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया था रात में 3 बजे, और ये लोगों ने खुद ऑक्सीजन बाटला लाकर ज़रूरतमंद को अपने हाथों से दिया था। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके काम में बरकत दे, इनको अपने अमान में रखे, और सभी साथियों को मतलब सलामत रखे। जिस आज सबसे पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं एक बात खुलकर कहना चाहता हूँ कि आज के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर लोगों को जिस तरह से कुरला कमेटी ने प्रोग्राम रखा है, इस तरह से प्रोग्राम रख के दुनिया के तमाम मजलूम जो बेरोज़गार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद करना चाहिए, और जिस तरह से कुरला कमेटी ने काम किया है वो बिल्कुल मुबारकबाद के बिल्कुल पात्र हैं, क्योंकि आज के वक्त में जो आप लॉकडाउन के दौरान जो परेशानी की हालत में लोग बेरोज़गार थे, जिनके पास खाने पीने की तकलीफ थी, उनके लिए सबसे सही काम ये था कि उनको अनाज की ज़रूरत थी और उन्होंने अनाज मुहैया किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत के हिसाब से जो इन्होंने काम किया वो बहुत ज़रूरी, और ऐसे मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाए, ऐसे मौके पर किया है, तो ये सोने पर सुहागा है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग इस तरह हमेशा काम करते रहें, और हमारे जो कुरला की जो और मुंबई की जो समस्याओं का हल करने की लगातार कोशिश करते रहें, और उन सबको मैं उनकी गुड्डू भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इसी तरह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, लोगों से दुआएं लेते रहे। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के ऊपर कुरला कमेटी ने एक प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम के तहत बहुत से गरीब लोगों को राशन बांटा गया, बहुत से NGOs को बुलाया इन लोगों ने, उसमें कमेटी के जो लोग थे, अध्यक्ष जो है हमारे गुड्डू भाई, उन्होंने मुझे भी बुलाया, मैं भी आया। काफ़ी लोगों को मतलब एक ऐसे दिन पे एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया जो यादगार प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह ताला। कुरला में ये ऐसा एक पहला ऐसा प्रोग्राम जो सेट किया गुड्डू भाई ने और इनकी कमेटी ने, मैं इस पर इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम ऐसे मुकद्दस दिनों पर रखे जाएँ, ताकि लोगों के और आवाम में एक मैसेज जा सके बेहतर। ईद मिलादुन्नबी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिस तरीके से ऑल कुरला कमेटी जो है और जो हमारे गुड्डू भाई हैं, और कोरोना वायरस के वजह से ईद मिलादुन्नबी की जैसे जुलूस की परमिशन नहीं मिली आज, और जिस तरीके से गुड्डू भाई और ऑल कुरला कमेटी ने ये प्रोग्राम लिया है, असल माने में ईद मिलादुन्नबी का तरीका ही यही है, जैसे आज ये लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जैसे अबू लहब
जो सख्त कातिल थे, उन्होंने जब कुछ लोगों को खाना खिलाए तो वो आज तक उसकी उंगली पे जो है फैस मारे। और ऑल कुर्ला कमेटी जो है कोरोना वायरस के वजह से इस तरीके का एक सामी प्रोग्राम लिए, तो ऐसे हर ईद मिलादुन्नबी में भी इस तरीके का ही प्रोग्राम लेना चाहिए। आज इजाज़त नहीं होने के बावजूद भी इस तरीके का इतना बेहतरीन प्रोग्राम और लोगों की मदद, और ईद मिलादुन्नबी का मतलब ही यही है कि उनकी खुशी में लोगों को खुशी, यानी जो मिस्कीन है, गरीब है, उन लोगों को मदद पहुँचाना। और जब से मैंने होश संभाला है, देखा है मैंने कुर्ला में ऐसी कोई कमेटी नहीं देखा मैंने आज तक जो बिना सियासत के किसी की मदद कर रही हो और पूरी आवाम की खिदमत कर रही हो, ना किसी में भेदभाव दिख रही। मैंने जब से होश संभाला है ऑल कुर्ला कमेटी ही देखा है कुर्ला में, और बस मेरी यही दुआ रहेगी अल्लाह इन लोगों को और तरक्की दे और इनके साथ और भी लोग जुड़े और ये कामयाब। और आज जैसे ऑल कुर्ला कमेटी है, इंशाल्लाह ये बम्बई में और पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो इंशाल्लाह। सबको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। अभी आप सबको मालूम है क्या, ये कोविड 19 की वजह से ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस है, जो भी हमारा जो मिल के करते थे, उसका परमिशन नहीं मिला है। मगर कुर्ला ऑल कुर्ला कमेटी ने एक इस कोविड 19 को देखते हुए एक नई चीज़ लाई क्या, जिससे हम खुशी भी मना लें और जो गरीब तबके के हैं उनको अनाज दिया जाए, जिससे उससे ज़्यादा उनको खुशी मिले। अभी ये जो गरीब जो थे जिनको इन्होंने अनाज बांटा है, आज वो उनको कितनी खुशी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत का काम भी हो गया, और जो ऑल कुर्ला कमेटी है पूरा कुर्ला में इनका एक नाम है अच्छा काम करने में। इसी तरह के काम करते रहे तो ये मुंबई लेवल से महाराष्ट्र से पूरा इंडिया में, इसी तरह हमारे हिंदुस्तान को भी ज़रूरत है। इनकी एक टीम है जो बहुत मजबूत है। मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान लोग से या धीरे धीरे इनसे आप जुड़िए और पूरे हिंदुस्तान में इस टाइप की मुहिम चलाइए जिसमें कोई सियासत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्मवादी नहीं है, और सिर्फ ये मदद करना जानते हैं, एक इंसानियत की मदद करते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या, इंसान पहले इंसानियत से पहचाना जाता है। इसलिए मेरी पूरे हिंदुस्तान से और कुर्ला खास करके कुर्ला लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी आप सदके के ज़कात की शक्ल में आप देते हो, पहले इन्हें याद करें, इसलिए कि हमारे पड़ोसी हमारे कुर्ला के हैं और ये मदद करने पीछे नहीं होते। जैसे अभी कोविड में इन्होंने सैनिटाइज़ भी किया, राशन भी बांटा, फिर ऑक्सीजन का बाटला भी दिया, और आज भी ये दे रहे हैं। और बहुत से जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ताकत नहीं है तो उनको फ़ीस भी देते हैं। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है हिंदू मुस्लिम हर भाई से पूरे हिंदुस्तान से कि आप इनको डोनेट करें और आपकी इनकी मदद करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि जिससे ये बहुत दिन और हमेशा हमेशा कयामत तक चलते रहे। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास खान तमाम अहले इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ऑल कुर्ला कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है। जो भी बेचारे लोग गरीब थे, बेसहारा लोग थे, जिनको मुश्किलें दरान हो गई थी, सबकी मदद ऑल कुर्ला कमेटी ने किया है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या राशन की बात हो या खाने पीने के मसाले या रहने की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि लोगों के आने जाने के सफ़र के लिए भी टिकट वगैरह के भी प्रॉब्लम था, तो वो भी सब ऑल कुर्ला कमेटी वालों ने किया है। ऑल कुर्ला कमेटी लगभग 6-7 महीने से डे नाइट 24 घंटे बहुत अच्छा काम कर रही है, और रातों दिन सारे कमेटी मेंबर जितने भी हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये लोग और अच्छा काम करेंगे। और मेरी तरफ से भी जो हो सकेगा, मैं हमेशा ऑल कुर्ला कमेटी के लिए खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ईद मिलादुन्नबी की पुरखलूस मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को और खासतौर ऑल कुर्ला कमेटी को। और एक शॉर्ट मैसेज है कि कुर्ला ऑल कुर्ला कमेटी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। काफ़ी जो है डीप लेवल पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो सब सिचुएशन था वो बहुत बड़ा जो था इम्पैक्ट था लोगों तक पहुंचना, क्योंकि गरीब लोग जो गरीब तबका है सिलेंडर खरीदना और उसको सेट करना वो आम बात मतलब वो एफर्ट नहीं कर सकता। तो ऑल कुर्ला कमेटी ने वो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और कुर्ला वॉइस के साथ भी उन्होंने जो है मिक्स अप के काम किया है वो भी बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद कर रहे हैं कि कुर्ला वॉइस ऑल कुर्ला कमेटी इसी तरीके से आगे काम करते रहे और कुर्ला वॉइस के साथ भी काम करें। थैंक यू।
कैमरामैन एजाज अंसारी के साथ मैं जय शिंदे, सर्विलेंस मुंबई न्यूज़।